ज़ौके रमज़ान, ज़ौके रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ौके रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन तीसरा अशरा और तीसरे अशरे का तीसरा रोज़ा। 23 रमज़ान मुबारक, तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक। ज़ौके रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की जा रही है फ्रेश वे फूड्स के ताबुन से। फ्रेश वे फूड्स आपको एक बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करता है, आपको चाहता है कि आप हेल्दी लाइफ गुजारें, आप बैलेंस्ड डाइट हासिल करें। आपके डोरस्टेप पर फूड डिलीवर करवाने के लिए आप फ्रेश वे फूड्स को कॉल भी कर सकते हैं और नंबर है 0301-138-1647। इसके साथ ही ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करना चाहेंगे। हमारी आज की ट्रांसमिशन में हमारी मौजूद मेहमान है मेहमान सना खां, मिफ्राक ज़िया। अस्सलाम वालेकुम मिफ्राक। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये कोशिश, हमारी ख्वाहिश, बल्कि हम सब की ख्वाहिश होनी चाहिए कि जो रमज़ान मुबारक का एसेंस है वो हम ज़रूर हासिल करें, इबादात को ज़रूर हासिल करें। वो जो शबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ढूंढने के लिए कहा है, शब कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको वो अता हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। नशियात का बाकायदा आगाज़ करना चाहेंगे, मिफ्राक ज़िया इस वक्त पेश करेंगी हमें बारी ताला। वलहम्द सना इलाही जो मालिक है हरदा उस दानान जितारण वाला, ओ किस मैदान नहेदा रहमत दा दरिया इलाही तेरा बस में ते कम बन जा वे मेरा जे मैं वेखा, जे मैं वेखा, जे मैं वेखा अमला वल्ले ते कुछ नहीं मेरे पले जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले। बहुत खूबसूरत हमदे बारी ताला जो पेश करने की सआदत हासिल की मिफ्राक ज़िया ने और हमारे इस ट्रांसमिशन को जगमगा रहे हैं। ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी। और आपको बताते चलें कि फ्रेश वे फूड्स के तावन से आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं। फ्रेश वे फूड्स आपको ले जाता है फ्रेशनेस की जानिब, वो फूड आपको प्रोवाइड करता है जो आपको एक हेल्दी लाइफ देता है
और आपको एक फ्रेशनेस का एहसास भी देता है। आप कभी महसूस कीजिएगा कि जब आप जो है लो कार्ब डाइट इस्तेमाल करते हैं या कम तली हुई चीजें आप इस्तेमाल करते हैं तो आप में फ्रेशनेस कितनी ज्यादा आ जाती है। इसको आप जरूर नोटिस कीजिएगा जब आप ऑर्डर करें फ्रेश वे फूड से, जिसका नंबर है 03011381647। ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में टिप ऑफ द डे के साथ उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है मौजूद। और इफ्तार के मौके पर खीर वग़ैरह का एहतमाम भी होता है और अक्सर आपने देखा है कि खीर जो है वो पतीली में लग जाती है और घर वालों के मज़े आ जाते हैं उस पतीली को चाटने में, है ना। लेकिन बहुत सारी ख़वातीनें चाहती हैं कि भाई खीर जो है वो पतीली में लगे ना, तो उसके लिए मैं आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। और वो टिप कुछ इस तरह से है कि जिस पतीली में आपको खीर बनानी है आप उसमें पहले थोड़ा सा पानी डालकर बॉयल कीजिए और उस पानी को फेंक दें, फिर उस पतीली में जब आप खीर बनाएंगी तो खीर बिल्कुल पतीली में नहीं लगेगी। जी नाज़रीन, फ्रीडम न्यूज़ पर ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज़ निज़ामी आपके साथ है मौजूद। 23वें रोज़े की ट्रांसमिशन है, हमारे साथ स्पीकर समीर रज़ा निज़ामी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। खुश आमदेद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं समीर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिजाज है। तीसरा अशरा तीसरा अशरा भी आ गया रमज़ानुल मुबारक का, और जब ये महीना इसका आगाज़ होता है तो पहले तो पहला दूसरा तीसरा रोज़ा गुजरता है, लेकिन उसके बाद वक्त को पल लग जाते हैं, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो यकीन करें कि जो दिल होता है, जो कैफियत होती हैं तीसरे अशरे में और जब ताक रातें होती हैं, तो वो कैफियत होती है ना समीर कि हम सोचते हैं कि बस अब ये क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, रुक जाए ना कुछ लम्हात और रुक जाए। 29 के बजाय हम कहते हैं 30 रोज़े हों, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बहरहाल अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इस साल चांद की जो अनाउंसमेंट है वो कब होती है। और हमारे यहाँ पिछले साल तो रमज़ान में हमने सहरी के लिए दही भी जमा लिया था और पराठों का आटा भी गुन गया था, तो इस बार हम यही विश करेंगे कि इस साल जो है वो ईद की जो अनाउंसमेंट है वो ईद के हवाले से ही की जाए, यानी कि इस टाइमिंग पे हमारी तैयारी जो है वो ईद उल फितर की हो, ना कि सहरी की तैयारी हो। तो बहरहाल 23वां रोज़ा, 23वां रमज़ान, 24वीं शब आज लग जाएगी समीर। आज के हवाले से कुछ हमें बताइए, क्योंकि ये पूरा अशरा ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अशरे की, इन ताक रातों की कसम फरमाई है कुरान मजीद में। तो इन रातों की क्या अहमियत, कि हम सभी जानते हैं कि हज़ार महीनों की इबादत से बेहतर है शब कदर की इबादत, तो आज हमारे देखने वालों को आप क्या बताएँगे? इतना कुछ आपने ही बयान कर दिया है, तो अब मैं वहीं से लेके चलूँगा कि आपने ये बोला कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, एक अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया, पहला अशरा रहमत का, मग़फ़िरत का, उसके बाद आपका जहन्नम की आग से आज़ादी के लिए। तो पहला अशरा गुजरा, दूसरा अशरा, तकवा इतना बढ़ चुका होता है, याद इलाही इतनी बढ़ चुकी होती है, रहमतों का नुज़ूल इतना बढ़ चुका होता है, इस्तग़फ़ार इतना बढ़ चुका होता है कि जब हम तीसरे अशरे में आते हैं तो हमारी कुर्बतें इर्जीला रब्बी की रौदियतम मर्दिया में बदल जाती है कि हम रुजूलल्लाह करना शुरू कर देते हैं। सूरह फजर की आखिरी आयत, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमाइन्ना इर्जीला रब्बी की रौदियतम मर्दिया, कि हम ने या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमाइन्ना, या नफ्से मुतमाइन्ना इर्जीला रब्बी, हमारा पहला जो अशरा है दूसरा अशरा उससे जब गुजरते हैं हमारा नफ्स पूरा वजूद इतना पाक हो जाता है कि रोज़े रख रख के, नवाफिल पढ़ पढ़ के, तहज्जुद पढ़ पढ़ के, तरावियाँ पढ़ पढ़ के, नमाज़ें पढ़ पढ़ के, रुजू इल्लल्लाह चल रहा होता है, हमारा नफ्स नफ्से मुतमाइन्ना बन जाता है। जी नफ्स की 7 आपकी इकसाम बताई गई है कुरान में ना। पहली इकसाम आती है कि आपका पूरा नफ्स बार बार आपको हुक्म दे रहा है कि नफ्स अम्मारा बना हुआ है, फिर उसके बाद नफ्स अम्मारा के बाद नफ्स लवामा पे आता है, नफ्स लवामा के बाद नफ्स मुतमाइन्ना बन जाता है, कि नफ्स मुतमाइन्ना मतलब आपकी जो बच्चा पैदा होता है छोटा सा बिल्कुल पाक, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं, जीरो मेमोरी और सब कुछ जीरो। अब वो जब दो अशरे गुजर जाते हैं कि कोई शख्स ऐसा जो बदबख्त होगा जिसका नफ्से मुतमाइन्ना ना बनाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की
रहमत तो उतर के दम लेती है, है ना? समीर हमने देखा ना कि एक धुन सवार होती है सब पे ना इबादत के हवाले से। जैसी जैसी आखिरी अशर में आते हैं वो नफ्स मुतमाइना बन जाता है, नफ्स मुतमाइना इरजी इला रब्बी, अल्लाह ताला का अगला ऐलान ये है कि रुजू इल्लाह कर लो, ये नफ्स राजिया कहलाता है। नफ्स राजिया रुजू इल्लाह इरजी इला रब्बी रा दिया तब मर दिया, नफ्स रा दिया नफ्स मर दिया, फिर अल्लाह तुमसे खुश तुम अल्लाह से खुश, ये दो नफ्स आपके बन गए। इसके बाद आपका आता है इरजी इला रब्बी रा दिया तब मर दिया, फद खुली फी इबादी वद खुली जन्नती, तुम पूरे के पूरे इबादत में दाखिल हो जाओ हम तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देंगे। अब वो इंसान का जब पूरा नफ्स रुआ रुआ अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है नवाफिल, और इसी से इसी दिन से 23वीं शब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावियों का एहतमाम शुरू किया। माशाल्लाह हुजूर जाने का इनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे भी क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज थी आम इंसान पे, हम पे जो है वो 5 वक्त की नमाजें फर्ज हैं, हुजूर जाने का इनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहज्जुद की क्योंकि मिन अल्लैल फतहज्जद बिही नाफिला तलक ममय्यब असकर बुकर मकाम महमूदा, कि आप तहज्जुद के लिए उठ जाइए कि आपको अल्लाह ताला मकाम महमूद पे फाइज करेगा, इसलिए खास हुक्म आया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कयाम फरमाया करते थे, इतना तवील कयाम फरमाते थे कि अल्लाह ताला को सूरह मुज़म्मिल नाजिल फरमानी पड़ गई। इतने प्यारे अंदाज में सूरह मुज़म्मिल नाजिल फरमाई कि या अय्युहल मुज़म्मिल, चादर लपेट वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर में लपेट के इतना प्यारा अंदाज कि अल्लाह ताला ने वही अंदाज में अपने महबूब को पुकारा कि कोई आपका महबूब लेटा हुआ हो चादर ओढ़ के, आप उसी में बोले चादर ओढ़ने वाली, कितना प्यारा अंदाज है। आप किसी आम शख्स को ऐसे नहीं बोलोगे, आप बोलोगे उठी या तो उड़ियो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ये चादर लपेटे वाली उठ जाइए, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैल इल्ला क़लीला, रात की निस्फ शब्द उठ जाइए या उससे थोड़ा कम। आगे फरमाया कुम लैल इल्ला क़लीला निस्फहु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला उज़िद अलैहि वरत्तिल क़ुरान तरतीला, कि या तो आधी शब्द उठ जाइए या तो उससे पहले उठ जाइए, या तो आपकी जो दिल चाहे जब चाहे तब उठ जाइए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई समीर रजा हमारे साथ ज़ौक़े रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन जो कि फ्रीडम न्यूज़ पर पेश की जा रही है फ्रेश वे फूड्स के तावन से। इसके साथ ही यहाँ नशरियात का वक्त हुआ चाहता है ख़त्म, इंशाल्लाह कल फिर आपसे होगी मुलाकात। उरूज नाज निज़ामी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ज़ौके रमज़ान।